हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग, वेलकम टू सिविल डिकोडर ऑफिशियल। दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है सेवा योजन पोर्टल से संबंधित। दोस्तों, आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर, आप सेवा योजन पोर्टल से संबंधित वैकेंसियों के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं। दोस्तों, अभी मैं हूँ सेवा योजन पोर्टल की मेन वेबसाइट पर। इस पर कम से कम अभी 500 पदों के लिए आवेदन हो रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग वैकेंसियां फिलअप की जाती हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको सेवा योजन पोर्टल की मेन वेबसाइट दिखाता हूं कि इसमें कितने पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। दोस्तों, अभी सेवा योजन पोर्टल की मेन वेबसाइट पर हूँ, फिर मैंने सर्च किया है आउटसोर्सिंग एंड प्राइवेट जॉब पर फाउंड है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें नो रिकॉर्ड फाउंड है। दोस्तों, सेवा योजन पोर्टल पर जब तक इलेक्शन है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तब तक किसी प्रकार की कोई भी भर्ती निकाली नहीं जाएगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आचार संहिता के दौरान न्यू विज्ञापन जारी नहीं किए जाते हैं। तो दोस्तों, सेवा योजन पोर्टल पर उत्तर प्रदेश में या कहीं पर भी जो नया विज्ञापन है वो जारी नहीं होता है, जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है। दोस्तों, इस पर जो आपकी भर्तियां आएंगी आचार संहिता के बाद आएंगी, आपका जो इलेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपकी जो भर्तियां हैं वो आपकी मिड जुलाई से आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप लोग सेवा योजन पोर्टल की साइट को विजिट करते रहिए और मैं आपको सेवा योजन पोर्टल या फिर भारत में, उत्तर प्रदेश में, ऑल इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट भर्तियां आती हैं तो मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कराता हूं। दोस्तों, आप लोग सेवा योजन पोर्टल को विजिट करते रहिए और आप लोगों ने अगर इसमें अपनी आईडी नहीं बनाई है, अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई है और आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं है तो आप लोग इसको अपडेट करके भी रख लें। जैसे आपकी भर्तियां आएंगी आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इलेक्शन के बाद आपकी जो भर्तियां हैं काफ़ी आने की उम्मीद है तो आप लोग इस पर अपनी प्रोफाइल को रेडी रख लीजिए और जैसे ही वैकेंसी आएंगी आप डायरेक्ट उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।